मे आई कम इन सर? यस यस कम इन, आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठिए। थैंक यू सर। मिस्टर आलो, यस सर। आपने किस यूनिवर्सिटी से कृषि विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है? श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय। श्री देव सुमन। यस सर। अच्छा, आपका क्या सेशन था? सर 17 से 21 का, दो हजार से 17 से 2021। आपने एग्रीकल्चर साइंस में किस पार्ट पे ज्यादा फोकस किया? कौन सा पार्ट आपको ज्यादा बेहतर लगा था पढ़ने? सर मुझे सर फील्ड क्रॉप में जैसे एग्रोनॉमी हो गया, उसमें सर मुझे घूम के अच्छा लगा। एग्रोनॉमी। यस एग्रोनॉमी में क्या पढ़ते हैं लोग? सर, एग्रोनॉमी में मेनली सर फील्ड जो क्रॉप होते हैं उसके प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस के बारे में उसमें अध्ययन किया था, कैसे उसको उगाना है, उसका एनवायरमेंट कैसे रखना है, उसके बारे में उसमें ज़्यादातर अध्ययन किया था। अच्छा, यस तो कृषि की कुछ विधियां हैं, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, दो यस सर। चार विधि के बारे में बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जैसे मैंने कौन सा क्रॉप चूज करना है उसके अनुसार मैं बताऊंगा। जैसे मुझे राइस चूज करना है उसके उसका जैसे सॉइल का पहले प्रिपरेशन करूंगा, उसके उसके बाद सोइंग मेथड जो हमको क्या अपनाना चाहिए वो करूंगा, उसके बाद उसका इरिगेशन कैसे करना है ये नहीं, सब। केवल मेथड बताना, इरिगेशन वगैरह नहीं जाना। मेथडोलॉजी है ना, कृषि की बीज नहीं जाना। यस सर, कृषि की विधियां थी। सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इससे जुड़े होता है रोपनी प्रणाली, होता है रोपनी विधि, है ना, कलम काट कर भी फसल लगाए जाते हैं यस सर। एग्रीकल्चर में, ठीक है ना, बीज का छिड़काव करके भी फसल को लगाया जाता है ना, बहुत तरह तरह जैसा के। तो हाँ बताइए, कलम क्या होता है? कलम सर, इसको इंग्लिश में सर कर देते थोड़ा सा। कलम सर होता है कि जैसे कोई भी चीज, सर बता रहा हूँ मैं, कलम होता है कि जैसे मान लीजिए सर गुआवा का क्रॉप ले लिया, ठीक है, तो वो सर पहले नर्सरी में वहां से जो कलम उठा के मेन क्रॉप लगाएंगे तो वो भी कलम का काम करेगा। जो नर्सरी से उठा के मैंने मेन क्रॉप लाया तो जो गुआवा जब नर्सरी में था वो एक कलम हो गया और उसको ला कर लगाएंगे। नहीं, तो फिर ब्रांच को कटिंग करके कट करके दूसरा ब्रांच को लगाया जाता है, तो सर तो बांधते, प्रोपगेशन सर ठीक है ना। जी सर। अच्छा, बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ स्कीम के बारे में आप जानते हैं जो कृषि से रिलेटेड जी है, सर। तो स्कीम के बारे में बताइए। सर एक तो है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और दूसरे सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या है, कौन कौन से पॉइंट? दो तीन बात बताइएगा पॉइंट में। यस सर, इसमें क्या होता है कि सर फसल जो होते हैं जैसे किसी भी क्रॉप का उसका बीमा उसमें किया जाता है ताकि कोई नुकसान होने पर उसके जो जैसे वो कंपनियां होती है उसका भरपाई करती है, तो इसमें जब फसल बीमा किया जाता पीएम किसान का नाम सुना है? है। जी सर। इसके बारे में बताइए क्या है। सर पीएम किसान एक्चुअली सर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ये, मेनली जो सर इसमें स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 6,000 रुपया तीन पार करके वो देती है, 4-4 महीने पर जो डायरेक्टली किसान के खाते में ट्रांसफर की जाती है। तो बिहार सरकार ने किसानों के आमदनी को दोगुना करने के लिए क्या सर क्या उपाय किया है, क्या क्या स्टेप लिया है? एक तो सर है कि सर किसानों के पास अच्छे बीज जाएंगे तो अच्छे बीज लगाएंगे तो उससे सर उत्पादन बढ़ेगा, जिससे जिससे जो किसान की आय बढ़। दूसरा दूसरा है सर कि तो उन किसानों को जो जो सीड उनको दिया जा रहा है तो उनको कैसे लगाना है ये भी उनको बताया जाए ताकि वो अच्छे से कम कीमत में और कम से कम बीज में वो अच्छे से कर पाए, इससे भी दुगुना हो सकता है सर। यार बताइए कि पहले हम लोग सुनते थे कि इंडिया के जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल 60-70% के आसपास है, जी आज वो लगभग 40-15% के आसपास है, इससे भी कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एग्रीकल्चर डाउन हो रहा है, कृषि की स्थिति खराब हो रही है? सर अभी तो सर इतना कम नहीं हो पाया सर, मुझे ऐसा लग रहा है कितना है जीडीपी? सर अभी 19% है सर। अभी जो नेशनल जीडीपी में जो जो कृषि की जो भागीदारी है वो सर। ठीक है, अगर जी 70% सर 19% की तुलना करें जी सर कम है।
जी सर, तो पहले से थोड़ा कम हुई है एग्रीकल्चर तो मतलब डाउन बढ़ जा रहा है, तो मतलब आपका क्या कहना सर। है? ऐसा नहीं बोला जा सकता सर। एक्चुअली सर क्या बात हुई है कि जो सिर्फ कृषि के ऊपर निर्भरता भी सर इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ा सकती। उसके लिए सर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुई है उसको भी जिस सरकार बढ़ावा दे रही है, ताकि जो भी हम लोग जिसे रॉ मटेरियल उसका जुगाड़ है उसका सर इंडिया में ही उसका यूज हो जाए, और उसके अलग अलग प्रोडक्ट बना के हम जिसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है। मतलब आपका कहना है कि जीडीपी का आकार भी बढ़ रहा है जी सर और रेशियो में ये ऐसे बात की, पहले जी का रेशियो ज्यादा था, जी रेशियो में कम है, जीडीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जी तो ओवरऑल एग्रीकल्चर का विकास हो ही रहा है, कम सर नहीं जी हो रहा है, इसकी तुलना में सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा ज्यादा बेहतर हो गया है। चलिए और बताइए कि एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स कितना अभी लगता है, कितना परसेंट? सर सर मुझे ऐसा लगता है कि सर अभी तो एग्रीकल्चर जो होते हैं उन पर तो इनकम टैक्स जो प्रोसेस फूड होते हैं उन पर लगते हैं सर टैक्स, जो कृषि बनाए का नहीं लगता है, ठीक कृषि जो रॉ मेटेरियल जो अभी आता है उस पर सर मेरे हिसाब से नहीं लगता। कहाँ घर हुआ आपका? सर पूर्वी चंपारण पूर्वी चंपारण। जी सर पूर्वी चंपारण में मुख्य तक किस प्रकार के खदान की वहां पर की जाती है? सर मेनली जिसे बात किया जाए सर खरीफ सीजन में, तो खरीफ सीजन में सर वहाँ पर धान की खेती की जाती है, और रबी सीजन की बात करें तो सर गेहूँ हो गया और आलू की भी खेती उधर उधर होती है, और जायद में बात करें सर तो जायद में जैसे वो भिंडी हो गई, वो भी वहाँ पर जैसे खेती होती है, भिंडी हो गई, परवल हो गए, और उसके बाद में सर सर यही होता है। और सर अच्छा, मेज भी लग जाते हैं, मेज भी सर जायद में लग जाते हैं। जी सर जायद भी लग जाते हैं सर, मैं पूरे नहीं बात करूंगा लेकिन कुछ कुछ इलाके लग में जाते लिया हैं कि सर। है, मैं जी जानता सर हूँ जायद बंदर में जी सर जी बिहार में रबी और जायद दोनों होते हैं सर। जी जाए तो दो तीन या और एग्जाम्पल बताइए। सर ये वो क्रॉप का एग्जाम्पल सर। हाँ जाए फसल जो है, जाए क्रॉप जो है, बताइए। जी सर जैसे पूर्वी चंपारण इलाके में जैसे होती है वो वाला बताया गया, वो रंग बताया था इस तरबूजा का भी खेती होती है जैसे जायद में ही हो सब आते हैं सर, जैसे वो या सर वो घिवरा बोलते हैं उसको सर, तो हम उधर लोकल रंग में घिवरा ही बोला जाता है उसका भी सर जायद में ही होता अच्छा चलिए ठीक है, आपका मान के ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में नियुक्ति हो गई, है। और आपके प्रखंड में एक तरफ है कि अंधेपन की जो ज्यादा से ज्यादा शिकार हुए हैं, अंधेपन समझते हैं, अंधे लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, दूसरी चीज है कि महिलाओं में खून की कमी बढ़ती जा रही है, तो एक ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर होने के नाते जब आपने सलाह मांगी रहेंगे, तो आप वहां पर किस प्रकार की फसल को ज्यादा से ज्यादा उपजाने के लिए लगाने के लिए आप प्रमोट कीजिएगा? सर एक तो है सर जो है सर जो राइस जो होते हैं, और भी जैसे खाद्यान्न फसल है उसमें सर न्यूट्रिएंट्स थोड़ा जो है कोर्स सीरियल के तला मुकाबले वो कम पाई जाती है, तो ठीक है, राइस का सर आपने बात किया, तो कोई एक तो है राइस होगी ना जो विटामिन ए की हमारी कमी को पूरी भी करता हो। जी सर वो तो है गोल्डन राइस आई है जो विटामिन ए को करती है, लेकिन सर वो पूरे तरह से सर हर एक जगह उसका मैंने उगाई नहीं जाती है सर, वो जो है गोल्डन राइस का जो किया गया है सर अभी सर, तो सर हम कोर्स सीरियल की तरफ बढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन जो है अन्य मुकाबले में सर उसमें ज्यादा होती है, तो कोर्स सीरियल का सर हम इसमें प्रयोग और करेंगे विटामिन ए की अगर कमी है, इसका एनीमिया की अगर कमी हो रही है, तो सर। इसमें और भी है अभी हम आपको बायोटेक्नोलॉजी के तहत किसी प्रकार के हमने ग्रेन का अभी तक प्रोडक्शन दिया हुआ नहीं दिया? बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार ग्रेन का सर, हाँ ग्रेन का तो नहीं सर लेकिन बीटी कॉटन में वोट हुआ है उसका अच्छा, प्रोडक्ट। फोर्टिफाइड जो यस सर आटा जो है आपको लॉन्ग जिसको आटा हो गया वो क्या है? सर 45 आटा हाँ सर 45 आटा का मतलब होता है कि सर उसमें कुछ और न्यूट्रिएंट सर ऐड कर दिए जाते हैं फोर्टिफिकेशन। वही मैंने बात किया था ना कि जब एनीमिया को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड जो आटे जो है उसमें किस चीज की मात्रा बढ़ाई गई आपको? सर आयरन की मात्रा बढ़ाएंगे तो एनीमिया से दूर फायदा जाते हैं। अब यही बात मेरा प्रश्न ये था कि अगर होने के नाते अगर आपको वहां पे दी जाए तो किस प्रकार की फसल को आप वहां पे मांगे? जी अच्छा मान लीजिए आपकी नियुक्ति क्यों की जाए इस पोस्ट पे, हम ब्लॉक ऑफिसर जो क्यों सर आपकी? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सर शुरू से ही ग्रामीण इलाके में रहा हूँ, तो सर मुझे सर कृषि का जो है वो पहले से भी अनुभव था, और सर और दूसरी बात हो गई कि सर
मैंने ग्रेजुएशन में भी 4 साल एग्रीकल्चर किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर इसमें जाकर मैं बेहतर कर सकता हूँ आगे, कृषि का विकास सर कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें तो मुझे सर काफी नॉलेज है। जी सर, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत चीन को चुनौती दे सकता है? सर प्लीज पार्डन सर, चाबहार पोर्ट मंत्र है चाबहार पोर्ट साहब, ईरान में अभी समझौता हुआ है सर भारत का, सर पेरेंट सर नहीं देख पाए थे नहीं इसलिए। बताइए कि जो हरित क्रांति का बहुत सारे निगेटिव प्रभाव है जी सर, जिस समय हम लोग इन्फोर्स कर रहे थे उससे, क्या उस समय हम नहीं देख पाए कि इसका फ्यूचर जाकर लॉन्ग टर्म में जाकर निगेटिव प्रभाव होगा, जिससे बचने के लिए फिर हम दूसरे कोई व्यवस्थाएं करेंगे, हम उसी समय व्यवस्था कर रहे थे? सर उस समय इसको सर ये भारत ये स्थिति से खाने पड़ा था, तो मैंने सर उस समय के हिसाब से मैंने जो हाई एटिंग वैरायटी को चूज किया, ताकि मैं पहले अपने जो भी देशवासी है उनकी सर पूर्ति कर सकूं। तो उस समय जो देखा गया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सर वही अच्छा लगा उस समय। बाद में जिस आगे चलकर सर ऐसा पाया गया, रिसर्च किया गया, इधर उस पर निगेटिव प्रभाव भी है सर, जैसे फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज करना, उस समय केमिकल का यूज करना, तो सर आगे फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी हम लोग बढ़ रहे हैं उसकी तरफ कदम उठाया जा रहा है। तो क्या हरित क्रांति के माध्यम से भारत अभियान के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है? यस सर, हम पूरे सर देशवासियों को तो खाना खिला पा रहे हैं सर। रिपोर्ट में क्यों आ जाता है बीच बीच में एफडीओ का रिपोर्ट में कि भारत में लगभग 15 से 20 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, एक कम खाते हैं फिर भूखे रहते हैं? सर इसमें तो सर बहुत सारे रीजन आते हैं सर, मेनली है जो यहाँ पर जो इंडिया में है जो सर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, तो जो होती है सर जैसे खेत में भी जो उपज होती है वो सर मार्केट में आते जाते वहाँ पर भी सर कुछ डैमेज हो जाते हैं। और सर FAO के जो रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले सर, उसमें बताया जा रहा था कि 5% से लेकर और 30% तक जो है मार्केट तक आते आते सर उनका क्या हो जा रहा है, वो किसी न किसी कारण वो सर खराब हो जा रही है। तब वहाँ पर सर अगर हम जिसे वहाँ पर बचाव करेंगे तो यहाँ पर सर हम अच्छे से मैंने खाना खिला पाएंगे, तब भूखमरी सकते मैं हैं। उत्तराखंड से अपना रिजर्वेशन जी सर, किस यूनिवर्सिटी से? सर श्री देव सुमन उत्तराखंड से। श्रीदेव सुमन कौन? सर श्री देव सुमन जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक राइटर भी थे, जो कि टिहरी गढ़वाल में सर जो किसानों के प्रति जो शोषण हो रहा था उनके खिलाफ उन्होंने बहुत सारे वहां पर आंदोलन किए। उत्तराखंड में मुख्यतः किन फसलों की खेती की जाती है? सर उत्तराखंड में तो सर दो रीजन है, एक तो सर जिस ऊपर जाइएगा तो सर पहाड़ी वाले क्षेत्र आ जाते हैं, नीचे थोड़ा प्लेन भी क्षेत्र है सर, तो ऊपर वाले क्षेत्र में ज्यादातर प्लांटेशन क्रॉप जैसे गंगोत्री यमुनोत्री जिस ऊपर वाला पार्ट हो गया वहाँ पर सेब का भी खेती होती है सर वहाँ पर, और नीचे प्लेन वाले एरिया में सर धान की भी खेती होती है, और प्लांटेशन में जैसे मैंगो हो गए वो भी होते हैं सर, और उसके बाद मेज का भी वहाँ पर खेती होता है जो लोअर जैसे जो है उत्तराखंड के लोअर क्या पार्ट। कारण है कि उत्तराखंड में बहुत सारे जो औषधीय जो ब्रांड है, जो जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाते हैं, उनकी फैक्ट्री वहीं लगाई गई है? सर एक्चुअली है ना कि वहाँ पर का जो इकोसिस्टम है ना, वहाँ पर जो औषधि तो सर रिच माना जाता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन है सर उसका जैसे मेडिसिनल प्लांट वन का, इसलिए सर वहाँ पर लगती है क्योंकि ये भी वहाँ से रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाती है। और दूसरा कारण है कि सर वहाँ पर प्लांट ज़्यादा है, तो वहाँ पर फैक्ट्रिया आसानी से तो मतलब मतलब वहां से, वहां जो फैक्ट्री लगी हुई है औषधीय आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, तो जी उनका जो रॉ मटेरियल जो औषधि वगैरह, और वो हिमालय वहीं से उत्तराखंड में नेचुरली जो उगे हैं वो वहीं से लेते हैं। सर, और जैसे वो ऊपर वाले जैसे हिमाचल में जाइएगा तो वहां पर भी सर हैं, तो उस तरह जी भी आ जाते हैं सर वहां से ऊपर वाले इलाके शरावती गेहूँ का शरबती सुनारा सर। क्या है ये? तो सर शरबती सुनारा तो सर एक जैसे वीट का वैरायटी है सर, जो क्यों कि प्रसिद्ध है? शरबती सुनारा सर एक्चुअली सर जब हाई यील्डिंग प्रोग्राम चल रहा था ना, तो उस समय इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराया गया था सर इंडिया में, ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। अच्छा बताइए कि आपने अपनी हॉबी में लिखा है फार्म वर्क, योगा एंड फार्म वर्क, फार्म वर्क में आप क्या करते हैं? सर फार्म वर्क में जैसे सर मेरे पास थोड़ा बहुत खेत है, तो उसमें मैं धान भी लगा लेता हूँ, और सर जो कब से कर रहे हैं ये खेती आप? सर
एक्चुअली तो सर देखा जाए तो बहुत पहले से जैसे परदादा दादा थे वहां से भी खेती आ रही है। नहीं, आप कब से कर रहे हैं? सर मैं तो तब इंटरमीडिएट में था, तो साथी मैट्रिक में साथी मैंने हाथ में बताता था सर पिताजी के साथ, तो उस समय से पढ़ रहे हैं। और बीच में तो सर मैंने एग्रीकल्चर के लिए बाहर चला गया था, उस समय मैं घर पर नहीं था, मैंने नहीं कर पाया था। अच्छा, सर मान लीजिए कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर की अगर खेती करना है आपके खेत में, तो जी सर। उसको आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे? सर एक तो बात है कि सर एक बैग मैंने और हमको ऑर्गेनिक खेती की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए सर। जिसे उसमें क्या होता है कि 2-3 साल तक जो है प्रोडक्शन बहुत लो आती है, जो जैसे उसमें मुनाफा भी नहीं होता है, जो आपका लागत रहेगा वो भी नहीं निकल पाती है। तो सर मुझे ऐसा करना चाहिए कि सर कुछ लैंड डिवाइड कर देना चाहिए कि कुछ कुछ पर हम सर तब तक ऑर्गेनिक खेती करेंगे, और कुछ उस जिसे जमीन पर मैंने जो फर्टिलाइजर जो है उसका कम से कम प्रयोग करके साइंटिफिक रूप से करेंगे, तो सर लॉस भी इसे कम होगी सर, और आगे सर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स, गुड इवनिंग सर। आ जाओ। बढ़िया है, तुम कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, बोलने में भी क्लैरिटी है, साफ बोलते हो, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा लोकल टंग, लोकल लैंग्वेज का यूज करते हो, जिस पर थोड़ा सा वर्क करना है ना? वो हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे मने, जो मने में इसका मीनिंग है, मतलब सर मने तो अटकिया कलाम है, मने उसको कंट्रोल करना है, ठीक सर है? दूसरा तुम बोला था खाने पर आफत थी इंडिया में, उसको भुखमरी बोल सकते हैं, जी सर टेक्निकल पानी टर्म कैसे बोलना, तो खाने पर आफत थी, आंदोलने, प्लांट टू लांच, फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियां फैक्ट्रीज बोलो, नहीं तो कारखाने, कारखानों बोलो, हिंदी बोलो। आप ऊपर जाइएगा तो ये पाइएगा, इंटरव्यू बोर्ड ऊपर क्यों जाएगा पहाड़ पर? तो सर वहां पर ऊपर मैं जाने पर ऐसा पाया जाता है, नीचे में प्लेन एरिया है, ऊपर में पहाड़ी एरिया, ऐसा बात कर सकते हैं। आप जाइए, दो दो बार बोले थे, एक बैग हम है ना, जैविक खेती तो नहीं जा सकते, एक बैग जो ग्रामीण टर्म है, अचानक अकस्मात, इसको कंट्रोल अच्छा करना है। तुमसे पूछा गया था तो कि एग्रीकल्चर में है ना, आपको क्यों चुना जाए, सर ने पूछा, तुम बोला है कि मुझे लगता है कि मैं ग्रामीण परिवेश में रहा हूँ, तो लगता है कि क्या, तो रहे ही हो, तो अननेसेसरी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? और दूसरा, तुमने कहा है कि एजी मैंने एग्रीकल्चर में हमने कोर्स किया, ग्रेजुएशन किया, सब किया है, ठीक है, वो तो कोई क्वालिटी हुआ नहीं, ठीक है ना? ये सब चीज़ में कंट्रोल करना। दूसरा क्या था कि हमने जीडीपी वाला जो बताया था, तो वहां तो बताना चाहिए था कि आजादी के जस्ट बाद जीडीपी का जो आकार था काफी कम था, जी सर उसमें कृषि का रेशियो 65 से 70% था, जो काफी आज की तुलना में काफी कम था। आज हमारा जीडीपी का आकार काफी गुना बढ़ गया है, उसमें जो 19% भी अगर जीडीपी है तो क्या है, पहले वाले 70% से जो इसका आकार है, एब्सोल्यूट साइज, वो बड़ा है। हम नहीं कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर हाँ डाउनवर्ड जा रहा है, ये तुम पैसे बताना चाहिए था, बाकी तो अंदर तो बोले ही थे इस प्रकार से बातें करनी चाहिए, और सब तुम्हारा ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम में 2-4-5 स्कीम बताना चाहिए था जल्दी जल्दी, ठीक है ना? और स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? और इनकम टैक्स एग्रीकल्चर पे नहीं लगता है यस ना? एकमात्र राज्य है भारत का जहां लगता है, कौन सा है? कृषि पर आयकर, मुझे होता है नहीं ये सब पढ़ लेना है, ठीक है? ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू सर।